बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपकी मेंटोर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द डिज़ाइन डोजो। उम्मीद करती हूं आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज हम देखेंगे अपने कुछ इंटरेस्टिंग टूल को, ठीक है, कुछ नहीं बल्कि एक ही टूल को, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग टूल है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें बना सकते हैं उसके साथ। लास्ट वीडियो में हमने ब्रशेज को देखा था, कस्टम ब्रशेज बनाए थे, तो आई होप आपको वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई हों। अगर फिर भी किसी को कोई मसला है, कोई चीज़ समझ नहीं आई, कुछ क्लियर नहीं आई, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी DM कर सकते हैं, ठीक है। आज हम जो टूल देखेंगे उसके लिए सबसे पहले हम एक फाइल ले लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि हमें क्या आज बनाना है, ठीक है। ठीक है, मुझे वेब ही चाहिए और मैं इसको ओके कर देती हूँ, ठीक है। हमारे पास आर्टबोर्ड आ चुका है और हमने आज देखना है मैश टूल, ठीक है। बिल्कुल शेप बिल्डर के नीचे आपको मिल जाएगा मैश टूल। मैश टूल की शॉर्टकट की है आपके पास यू, आप यू प्रेस करेंगे तो आपके पास मैश टूल आ जाएगा, ठीक है। इसके नीचे एक नन और इन्फिनिटी का साइन शो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई शेप नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। जब यहाँ पर कोई शेप आ जाएगी तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर हम एक रेक्टेंगल टूल लेते हैं, स्क्वायर शेप बनाते हैं, ठीक है। और मुझे इसको कोई कलर देना है, लेट्स से हम ऑरेंज कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ग्रेडियंट का दोबारा से कंसेप्ट देना चाहती हूँ, क्योंकि मैश टूल का कंसेप्ट देना है तो मैं आपको ग्रेडियंट की कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ, ओके। यहाँ से हम ये वाला ग्रेडियंट ले लेते हैं और इसको मैं लीनियर में कर देती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब जब हम ग्रेडियंट फिल करते हैं अपने किसी भी शेप में, तो अब आपने देखा होगा कि ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है, ठीक है। कि जितने भी हम इसमें कलर्स ऐड कर लें तो वो यहाँ पर कलर हमारे पास चेंज होंगे कॉर्नर्स पर, बिल्कुल हम कह सकते हैं कि वो वर्टिकली हमारे पास, ये देखे ना, बिल्कुल वर्टिकली हमारे पास कलर ऐड होते जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अब कलर ऐड कर दूँ, ठीक है, यहाँ पर, और इसको सिलेक्ट रखें और अब मैं कलर ऐड करती हूँ यहाँ पर, ठीक है। और ये हमारे पास कुछ ज़्यादा है तो कुछ ऐसा, ठीक है। अब इसने क्या किया है कि ये वर्टिकली हमारे पास कलर ऐड करता है ग्रेडियंट, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमें हर कॉर्नर, यहाँ पर डिफरेंट कलर मिले, यहाँ पर डिफरेंट हो, यहाँ पर भी डिफरेंट हो। अब यहाँ पर दोनों पर वाइट आ रहा है और यहाँ पर दोनों पर ऑरेंज कलर आ रहा है, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि हर कॉर्नर पर हमारे पास डिफरेंट कलर। यही चीज़ अगर हम रेडियल में देख लेते हैं, ठीक है, इसको सिलेक्ट रखें और रेडियल कर दें, ठीक है। इसको मैं अभी के लिए रिमूव करें, तो रेडियल में भी आपके पास वो चीज़ नहीं मिलती है जो मैं आपको कह रही हूँ कि हमें चाहिए है, कि हमें हर कॉर्नर पे डिफरेंट कलर चाहिए। रेडियल पे आपके पास एक ही कलर ब्लेंड हो जाता है हर कॉर्नर पे, लीनियर पे आपके पास दो कलर्स होते हैं, रेडियल पे आपके पास एक कलर ब्लेंड होता है हर कॉर्नर पे, ठीक है। लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ कि मुझे ग्रेडियंट से कुछ डिफरेंट चीज़ मिले, यहाँ हर कॉर्नर पे डिफरेंट कलर आए मेरे पास। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं मैश टूल को, ठीक है। अब उसको यूज़ कैसे करना है, लेट्स से मैं इसके कलर्स चेंज कर देती हूँ और हम एक सिंपल सा कलर इसमें ऐड कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स से हमने सिर्फ ये ऑरेंज ऐड किया है और यहाँ पर आपने लेना है मैश टूल, ठीक है। अब यहाँ में आपके पास इन्फिनिटी का साइन है, जैसे ही आप यहाँ शेप के अंदर लाएंगे तो आपके पास एक प्लस का साइन शो हो रहा है और साथ ही ग्रिड से शो हो रही है, ठीक हो गया। अब आपने कहीं पर भी अपने पॉइंट ऐड करना है, क्लिक कर देना है सिंपल। आप यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक पॉइंट ऐड हो जाएगा, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन्स आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आप चाहते हैं कि हमारे पास इस कॉर्नर पर डिफरेंट कलर आए, तो इस कॉर्नर पे डिफरेंट कलर करने के लिए मैंने यहाँ बिल्कुल इसके पास ही एक कलर ऐड कर दिया, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इस कलर को सिलेक्ट करती हूँ और मैं यहाँ पर थोड़ा सा डार्क कलर दे देती हूँ, लेट्स से ये, ठीक है। ये बहुत लाइट ब्लेंड हुआ है, अगर मैं इसको, आप मैश टूल के साथ इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, ये देखें इसके एंकर पॉइंट्स को कुछ इस तरह से, ठीक है। अब ये इसकी लिमिट बहुत कम है क्योंकि हमने इसको बिल्कुल यहाँ तक रखा था। अगर मैं दोबारा से इस पॉइंट को सिलेक्ट करके कोई डार्क कलर देती हूँ तो वो देखें वही चीज़ आ रही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसके इस पॉइंट को सिलेक्ट करती हूँ, ठीक है, लेट्स से हमने इस पॉइंट को सिलेक्ट किया, सिर्फ इस पॉइंट को सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैं ये कलर ऐड करती हूँ, नाउ यू कैन सी
अब इसकी कोई यहाँ पे आगे लिमिट नहीं थी, ठीक है। लिमिट क्या है वो भी मैं आपको दोबारा से बताती हूँ। मैंने सिंपल इस पॉइंट को सिलेक्ट किया और एक कलर ऐड कर दिया, तो ये सारा कलर यहाँ तक ब्लेंड हो गया। तो आप देख सकते हैं इसमें फील हमें वही ग्रेडियंट वाली आ रही है कि बहुत स्मूथली दो कलर्स आपस में ब्लेंड हो रहे हैं। ये लाइट ऑरेंज ब्लेंड होता होता एक डार्क मरून सा शेड हमें दे रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर रेड भी ऐड करती हूँ तो हमें और भी इंटरेस्टिंग सा इफेक्ट मिलता है। सॉरी जैसे कि हम ग्रेडियंट में यूज़ कर सकते हैं, दो कलर्स को ऐड करते हैं हमें दो कलर्स की ब्लेंडिंग मिलती है, वही सेम चीज़ हमें मैश टूल में मिली है। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि हमारे पास अब इस कॉर्नर पे डिफरेंट कलर हो, तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर दूँगी, ठीक है, और मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट करके इसमें डिफरेंट कलर दे दूँगी। लेट्स से हम इसमें ग्रीन ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखें, अब आप डिफरेंट कॉर्नर्स पर डिफरेंट कलर्स ऐड कर सकते हैं मैश टूल को यूज़ करके। यहाँ पर भी आप क्लिक कर दें और यहाँ पे आपके ये आ जाएगा। आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना पड़ेगा, उस पॉइंट को सिलेक्ट करें, आप उसमें डिफरेंट कलर्स ऐड कर दें, ठीक है, ब्लू को ऐड कर दें लाइक दिस, ठीक है। और मैं अगर इस पॉइंट को सिलेक्ट करती हूँ तो यहाँ पर भी आप डिफरेंट कलर ऐड कर सकते हैं लाइक दिस। तो ये देखिए आपके पास ये सोल्यूशन मैश टूल देता है कि आपको डिफरेंट कॉर्नर्स पे डिफरेंट शेप्स पर डिफरेंट कलर्स चाहिए हैं, तो आप सिंपल मैश टूल को यूज़ कर सकते हैं और इजीली अपना ये काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगेन वही चीज़ कि आपने इस तरह से गोले गंडे नहीं बनाने हैं, बहुत ही अजीब से वेट कलर्स नहीं यूज़ करने हैं, सिंपल बेसिक से कलर्स यूज़ करें, अपनी क्रिएटिविटी को क्रिएटिविटी बनाएं, गोले गंडे बिल्कुल ना बनाएं, ठीक है ना। तो अच्छा हम दोबारा से मैं एक स्क्वायर शेप ले लेती हूँ, ठीक है। इसमें हम कलर ऐड करते हैं अगेन सेम वही ऑरेंज, ओके। अगर मैं मैश टूल को यहाँ पे ऐड किया है मैंने, ठीक है, और सॉरी यहाँ पे हमें आर्टबोर्ड नहीं चाहिए है, तो मैं इसको, ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, हम इसको इसी तरह यहाँ पे एक शेप लेते हैं। अगेन ये कलर ऐड कर दिया मैंने, मैश टूल लेना है, यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड कर रही हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो भी मैं कलर यहाँ पे ऐड करूँ वो सिर्फ यहाँ तक रहे, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से शो हो जाए, ठीक हो गया। अब मैं चाहती हूँ कि ये कलर जो मैंने अब नेक्स्ट ऐड करना है वो बिल्कुल यहाँ तक रहे, यहाँ तक जाकर ब्लेंड ना हो। तो वो जो मैं आपको लिमिट की बात कर रही थी वो भी आप इसको दे सकते हैं कि हमें सिर्फ ब्लेंडिंग यहाँ पर चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक और पॉइंट ऐड कर दूँगी, ठीक है। अब आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है और अब डार्क कलर ये देखें, अब ये सिर्फ यहाँ तक ऐड हुआ है। मैं इसको थोड़ा सा और डार्क कर देती हूँ, या लेट्स से हम पिंक सा कलर ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से शो हो जाए, ठीक है। अब मैंने यहाँ बिल्कुल इसके क्लोज एक लाइन ऐड कर दी है, एक पॉइंट ऐड कर दिया है, तो वो उसको सिर्फ यहाँ तक ब्लेंडिंग कर रहा है, ब्लेंड कर रहा है, वो उससे बाहर नहीं निकल जा रहा। तो आप ये चीज़ भी कर सकते हैं कि आपको सिर्फ कलर कहाँ तक रखना है, कितना एडजस्ट करना है, वो आप पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं और उसको अपने कलर को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप ये ना कहें कि मुझे तो ये कलर यहीं पर चाहिए था तो ये यहाँ तक क्यों जा रहा है, तो उसका कोई मसला नहीं है। अब बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपको सिर्फ पॉइंट ऐड करना है और वो वहाँ तक लिमिटेड हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा लेकिन आपने क्या करना है, एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने बहुत सारे पॉइंट्स ऐड नहीं करना, खिचड़ी नहीं बनानी है, ठीक है, ना खिचड़ी बनानी है ना गोले गंडे बनाने हैं। यहाँ पे कोई आपने खाने पीने की, ठीक है, कोई वैरायटी नहीं लेकर आनी है, ठीक हो गया। तो आपने बस क्रिएटिविटी को रखना है कि आप जितने पॉइंट्स ऐड करते जाएंगे आपके लिए उतना ही मैस क्रिएट हो जाएगा, उतना ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आप उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे, ठीक है, कि आपको अब कहाँ से ऐड करना है। लेट्स से मैं यहाँ पर कोई भी पॉइंट्स ऐड करती जाऊँगी, ठीक है, सॉरी मैश टूल से, ठीक है, यहाँ पे ऐड करती जाऊँगी तो ये हमारे पास बहुत सारे ये देखें पॉइंट आ जाएंगे। तो मुझे समझ नहीं आएगा कि मुझे कौन सा पॉइंट ऐड करना है, कौन सा नहीं करना। तो बहुत देखिए कितनी वेयर सी चीज़ ऐसे भी बन रही है और कलर्स का भी कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं आ रहा है। तो आपने ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। जितने कम से कम पॉइंट्स लगाएंगे उतनी ही आपकी जो शेप है वो अच्छी बनेगी, ठीक है। लेट्स से मैं यहाँ पर एक पॉइंट लेती हूँ और मैं एक बहुत थिन सी लाइन बनाना चाहती हूँ। तो अब आपने क्या करना है, बिल्कुल इसके पास पास
यहाँ पर आपने पॉइंट सेट कर देने हैं, ठीक है। सॉरी, मैं इसको बिल्कुल यहाँ पे रखना चाहूँ, यहाँ, ठीक है। और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैं इसके पॉइंट को सिलेक्ट कर रही हूँ और मैं इसमें अगेन पिंक कलर हम ऐड कर देते हैं। नाउ यू कैन सी कि ये एक बहुत ही इसने सॉरी सिलेक्शन टूल से आप अपनी पूरी शेप को मूव क्या करें। नाउ यू कैन सी कि अब एक बहुत थिन सी लाइन हमारे पास यहाँ पर आ गई है। तो आप ये चीज़ कर सकते हैं, आपको एक शार्प सी लाइन देनी है, आप बहुत पॉइंट्स को क्लोजली अलाइन कर दें, क्लोजली ऐड कर दें, तो आपके पास एक शार्प लाइन क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको आई थिंक क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अगर मैं और एक और चीज़ आपको मैं यहाँ से बता दूँ कि जब भी आपने यहाँ पे पॉइंट पे कलर ऐड करना है, ठीक है, लेट्स से मुझे इस पॉइंट पर कलर चाहिए, ठीक है, मैं चाहती हूँ अब यहाँ से यहाँ पर मेरे पास कलर आए, तो आपने सिलेक्शन टूल से नहीं सेलेक्ट करना है। अगर मैं ये देखें यहाँ पे क्लिक करती हूँ सिलेक्शन टूल से, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और कलर ऐड कर दिया, लेट्स से ब्लू किया तो वो पूरी शेप में कलर ऐड हो जाएगा, ठीक है। लेट्स से कंट्रोल Z अंडू। अगर मैं इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इस पॉइंट को सिलेक्ट करती हूँ, तब ये कलर हमारे पास ब्लेंड होगा उसी पॉइंट तक, ठीक है। तो आपने सिलेक्शन टूल को नहीं यूज़ करना है, आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को यूज़ करके ही पॉइंट्स को सिलेक्ट करना है और आपके पास फिर ही ब्लेंडिंग ऑफ कलर आएगी, ठीक है। अब मैं इसको कंट्रोल से ही कर रही हूँ, हम इसको डायरेक्ट सिलेक्शन से यहीं पर रखते हैं और मैं इसके ये पॉइंट डिलीट करना चाह रही हूँ, ठीक है। लेट्स से हम दोबारा से एक शेप बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको एक हमारे पास जो अक्सर गलती हो जाती है, कन्फ्यूजन हो जाती है, जो हमें समझ नहीं आती कि ये क्यों हुआ है, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप बनाएं तो आपके पास वो कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे दो पॉइंट सेट किए हैं, ठीक है, सॉरी, लेट्स से हम एक सर्कल शेप ले लेते हैं, ठीक है, इसको मैं डिलीट कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं एलिप्स टूल, ये मेरे पास, इसको मैंने सॉरी इसको एलिप्स टूल ले लिया और इसके पास हमारे पास ये कलर आ गया। अच्छा, आप इसमें भी सेम एग्जैक्ट वही शार्प लाइन ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको उसको कर्व देना है तो वो भी आप मैश टूल से दे सकते हैं, ठीक है। मैश टूल सिर्फ हम कलर्स नहीं, आप डिफरेंट ऑर्डर्स में डिफरेंट कॉर्नर्स पर ऐड कर सकते हैं, बल्कि मैश टूल से हम अपनी शेप को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, लेट्स से ये सिलेक्टेड है, मैश टूल लिया तो आप इसको कलर पॉइंट्स को मूव कर सकते हैं इस तरह से, इस तरह से, किसी भी तरह आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसे हम इसके इसमें थोड़ा ग्रीन सा कलर कर लेते हैं, लाइट कलर, ठीक है। ये मैंने इसमें लाइट ग्रीन सा कलर ले लिया है और मैं चाहती हूँ कि इसके एजेस, इसके जो एजेस हैं, मैं उस पर थोड़ा डार्क कलर, डार्क शेड दूँ ताकि हम इसको थोड़ा सा 3D इफेक्ट दे सकें, ठीक है। अब ये जो काम है वो हम रेडियल से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको मैश टूल से भी करना चाहते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपने सिंपल एक मैं पॉइंट यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, लेट्स से एक यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर भी साथ बिल्कुल, ठीक है। अगर मैं ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट ना ऐड करती तो वो यहाँ तक आके ब्लेंड होता, लेकिन मुझे बिल्कुल कॉर्नर्स पर उसकी लाइट सी ब्लेंडिंग चाहिए, तो मैं इसको इतना ही ब्लेंड करना चाहूँगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है लासो टूल, ठीक है। लासो टूल आपके पास क्या करता है कि जैसे हम एक एक पॉइंट को सिलेक्ट करना चाहते हैं शिफ्ट की प्रेस करके, तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत देर लग जाएगी, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तो आपने बस इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमेशा मैं आपसे यही कहती हूँ कि उसी चीज़ को यूज़ करें, उसी स्टेप को यूज़ करें जिसमें आपका टाइम कम वेस्ट हो, आपके लिए ईजी टू यूज़ हो, ठीक है। तो जैसे कि लासो टूल है, ये हमारा काम आसान कर देता है। सिंपल आपको उसी पॉइंट्स के अराउंड एक लाइन ड्रॉ करनी होती है जो आपको सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। मुझे ये आउटर कॉर्नर्स वाले पॉइंट्स चाहिए, तो मैं सिर्फ उन्हीं के अराउंड ये पॉइंट्स ऐड करें, वो लाइन ड्रॉ करें, ठीक है। जस्ट मेक श्योर कि आप वो पॉइंट ऐड कर दें जो आपको नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि फिर वो भी सिलेक्ट हो जाएंगे और उनमें भी कलर आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने इन लास्ट टूल से सारे सिलेक्ट कर लिए हैं, अब सिंपल मुझे क्या करना है, मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँगी और वहाँ पे अपना
अपना डार्क ग्रीन कलर ऐड कर दोगे लाइक ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से डार्क कलर एंड पर आ जाएगा ठीक है। तो ये एक लाइट से हमारे पास 3D इफेक्ट यहाँ पे शो हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ वी एड अ डिफरेंट डार्क कलर। अच्छा यहाँ पे हम अपने मैश टूल से थोड़ा सा पॉइंट्स को एडजस्ट भी कर सकते हैं तो ये कलर थोड़ा ज़्यादा ब्लेंड हो जाएगा अंदर की तरफ ठीक है। लेट्स से मैं इनको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेती हूँ लाइक दिस। यहाँ से भी स्पेसिंग बहुत कम है इसलिए वो बहुत थोड़ा सा ही ब्लेंड हुआ हुआ है ठीक है। यहाँ से कुछ इस तरह और ये इस तरह इसको इस तरह ठीक है। यहाँ से आप कुछ इस तरह से बना सकते हैं। अच्छा अगर मैं इन सबको डिलीट कर देती हूँ ठीक है अंडू कर रही हूँ कंट्रोल प्रेस करके या हम इसको लेट्स से डिलीट ही कर देते हैं और दोबारा से एक रेडियल शेप लेते हैं सॉरी एलिप्स टूल लेते हैं और एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और मैंने इसमें कोई सा भी कलर प्रिंट कर रहे हैं लेट्स ब्लू पिंक कर लेते हैं ठीक है। लाइट सा कर लेते हैं ऑरेंज कर लेते हैं ओके कोई सा भी कलर फिल कर लेते हैं ठीक है। कॉन्सेप्ट ही क्लियर करना है। अच्छा मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर सबसे पहले मैंने इसको सिलेक्ट किया मैश टूल से मैंने यहाँ पर बिल्कुल सेंटर पे एक पॉइंट ऐड किया। अब मैं इसको थोड़ा सा कर्व दे रही हूँ यहाँ से कुछ इस तरह से और बिल्कुल एक यहाँ से ये ठीक है। अब मैं इस शेप को सिलेक्ट सॉरी इसलिए वो सिलेक्टेड रखे हैं मैश टूल से मैं दोबारा एक पॉइंट यहाँ पे ऐड कर रही हूँ ठीक है और एक पॉइंट बिल्कुल इसके साथ ठीक हो गया। तो अब मैंने ये तीन पॉइंट्स ऐड कर दिए हैं आई होप आपको शो हो रहे हो। मैं इसको जूम कर देती हूँ ठीक है और हम इसको जूम करके थोड़ा सा यहाँ पे ऐड कर ठीक है। अब मैंने क्या किया है इस मैश टूल से इसको थोड़ा सा कर्व दिया है और दोबारा से लेफ्ट और राइट पे उसके कर्व्स ऐड किए हैं ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे एक बिल्कुल लाइन चाहिए है कलर में ठीक है कि सिर्फ यहाँ पर कलर आए और बाकी कलर हमारा ऐसे ही रहे ठीक है। एक जैसे कि शार्प एज सा मैं इसको देना चाहती हूँ तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ मैंने इस सॉरी मैंने इस पॉइंट को सिलेक्ट किया इसको किया सॉरी आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है सिलेक्शन पॉइंट से आपकी पूरी शेप सिलेक्ट हो जाएगी ठीक है। जस्ट द थ्री ऑफ दिस कलर्स। अच्छा अब आपने इसमें कोई सा भी कलर ब्लेंड करना है लेट्स से मैं डार्क रेड सा ले रही हूँ और अब आपने देखा कि ये बिल्कुल एक बहुत शार्प सी लाइन हमारे पास क्रिएट होकर आ गई है। और अगर मैं इन्हीं कलर्स को ठीक है लेट्स से अंडू करती हूँ और मैं इन्हीं पॉइंट्स को दोबारा से सिलेक्ट करके इसमें ऐड करती हूँ वाइट कलर ठीक है। तो अब आप देखें तो इस तरह हमें शो हो रहा है कि ये यहाँ पर कट चुका है कि ये टू पीसेस में है ठीक है। बहुत एक शार्प सी लाइन क्रिएट हो गई है। तो आप इस तरह से भी कुछ क्रिएट कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि क्रिएटिविटी आपकी अपनी है कि आपको टूल यूज किस तरह करना है। बहुत सारे तरीके हैं यूज करने के लिए बहुत मजे की चीजें आप बना सकते हैं हर टूल के साथ। तो आपने बस उसको इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग बनाना है ठीक है। तो आप इस तरह से कोई भी चीज़ बना सकते हैं। देखिए सिंपल हमने एक दो पॉइंट सेट किए और हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ आई है एक बहुत शार्प लाइन क्रिएट हो गई है। तो आप इस तरह से कोई भी चीज़ बना सकते हैं ठीक है। पेप्सी का लोगो भी ऑलमोस्ट इसी तरह का होता है तो लेकिन वो कट हुआ होता है ऑब्वियसली। तो अगर आपको कुछ इस तरह से भी बनाना पड़ जाए तो आप उसको बना सकते हैं ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हों कि आपको किस तरह से ये बनाना है। अच्छा अब एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है इसको यूज़ करते हुए वो भी मैं आपको बता देना चाहती हूँ ताकि आप जब भी बनाएं तो आपको कोई डिफ़िकल्टी ना हो ठीक है। लेट्स से मैं ऑरेंज ही ले लेती हूँ ठीक है। और मैंने मैश टूल से यहाँ पे एक पॉइंट ऐड किया यहाँ पे बिल्कुल कर देती हूँ ठीक है। और एक पॉइंट मैंने किया यहाँ पे ऐड लाइक दिस ठीक है। अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ये वाला पॉइंट लेट मी सी कि यहाँ भी हमारे पास एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड हो गया था यहाँ पे ऐड करें अब ठीक है।
अच्छा, अब मुझे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है और मैं सिर्फ इस पॉइंट को सिलेक्ट करके इसमें कोई कलर रेड से हम दोबारा रेड ले लेते हैं, ठीक है, और इसको ब्लेंड करें। अब मैं इसको जैसे ही मैश टूल से इस तरफ बिल्कुल राइट साइड पे लेके जाती हूँ, लाइक दिस, ठीक है। तो अब आपने देखा कि एक बिल्कुल आपको शो नहीं हो रहा होगा, लेट मी ज़ूम दिस, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये एक यहाँ पे एक शार्प सा एज बन चुका है, और वो क्यों बना है, क्योंकि यहाँ पे इसके और इसके एंकर पॉइंट्स जो हैंडल्स हैं, जिनको हम बिजार पॉइंट्स भी कहते हैं, वो एक दूसरे के साथ, ठीक है, मिल रहे हैं, यहाँ पे ज्वाइन हो रहे हैं। तो वो यहाँ पे बिल्कुल एक शार्प सा उसने एज क्रिएट कर दिया है, और अगर आप यहाँ पे देखें गौर से तो वो उसने एक कर्व भी दे दिया है, लेकिन हम चाहते हैं कि ना यहाँ पे कर्व आए, ना यहाँ पे एक शार्पनेस आए, हम एक स्मूथ सी ब्लेंडिंग चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, मैं इसको दोबारा से इस तरह कर रही हूँ, और हमें इसको कर्व भी देना है, लेकिन हमें स्मूथ ब्लेंडिंग भी चाहिए है। तो आप उसको हमेशा से जब भी आप सिलेक्शन टूल से आप सिलेक्ट कर लें अपनी शेप को, मैश टूल लें, और जब भी आपने इसको कर्व देना है, किसी की तरफ मूव करना है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे प्रेस करें और शिफ्ट प्रेस करके आप इसको मूव करें, ये देखें। तो कोई हैंडल्स अब आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि इसका हैंडल बिल्कुल यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है, इसका यहाँ पे एक बिल्कुल शार्प एंडिंग नहीं है, ना शार्प ब्लेंडिंग है, बिल्कुल स्मूथ सी ब्लेंडिंग है, जैसे हम ग्रेडियंट के साथ करते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत स्मूथ ब्लेंडिंग इसने दे दी है। तो आपने ये चीज़ भी लाजमी याद रखनी है कि अगर आपको इस तरह बिल्कुल उसके सामने कर्व देना है, तो आपने शिफ्ट की प्रेस करना है साथ, ठीक है, वरना हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली आपको पॉइंट सेट करने हैं, उसमें शिफ्ट की प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, वो स्मूथली ही ब्लेंड हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे बस मसला ये आ जाता है कि जो इसके एंकर हैंडल्स हैं दोनों के, वो आपस में कोलाइड कर जाते हैं, तो उसकी वजह से शार्पनेस आ जाती है, कर्व आ जाता है। तो बस उसी को आपने ख्याल रखना है। कुछ प्रिकॉशंस होती हैं हर चीज़ को यूज़ करने के लिए, वो भी आपने याद रखनी है, उसके बेनिफिट्स भी याद रखने होते हैं। तो इन सब को याद रखते हुए आप इन पर काम कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कुछ और, ठीक है, आज हम अब इसमें कुछ बनाकर देखते हैं, ठीक है। ये तो थी बेसिक सा कॉन्सेप्ट, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम मैश टूल को कैसे यूज़ करते हैं, मैश टूल होता क्या है, इसके कोई अगर हमें कंफ्यूजन हो जाए तो उसको हम सॉर्ट आउट कैसे करते हैं, ठीक है। बहुत बेसिक चीज़ें थी आपको क्लियर करने के लिए, लेकिन अब जब तक हम कुछ इंटरेस्टिंग सा नहीं बना कर देखेंगे तो कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा, राइट। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स आवर डिज़ाइन। अच्छा, मैं यहाँ पर एलिप्स टूल ले रही हूँ, ठीक है, और मैंने यहाँ पे दो सर्कल्स ड्रॉ कर लिए। मैं इसी की कंट्रोल प्लस सी कंट्रोल प्लस एफ करके कॉपी लूँगी और कुछ इस तरह से यहाँ पे इसको प्लेस कर दूँगी, ठीक है। जस्ट मेक श्योर कि ये यहाँ पर बिल्कुल इक्वल हो, ठीक है, अब ये बिल्कुल देखें। अच्छा, आपको याद होगा कि हमने जब लोगोस बनाए थे तो उसमें एक एप्पल शेप, हमने एप्पल का लोगो बनाया था, तो मैं अगेन एप्पल बना रही हूँ और उसमें हम मैश टूल का यूज़ करेंगे, ठीक है। उसी तरह बिल्कुल एग्जैक्ट बना रही हूँ, मैंने दो शेप्स ली हैं, मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है, लाइक दिस। हम जाएंगे पाथफाइंडर पे और इनको कर देंगे यूनाइट, ठीक है। इसी तरह से हमने कुछ किया था, आपको याद होगा अगर आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं याद आपको वो मेरी वीडियो, तो आप कार्ड्स पे जाकर, यहाँ ऊपर अभी आपको शो हो रहा होगा, आप उस पर क्लिक करें, आपको मेरी वो वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो जो नए हैं, जो सबसे पहले आकर ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप पहले वो देखें, आपको उसमें और अच्छा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास ये कुछ इस तरह से आ गया, लेकिन हम इसको एपल शेप देनी है, तो मैं एक ऑब्वियसली डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँगी और इसके सिर्फ ये तीन पॉइंट सेलेक्ट करूंगी और मैं इनको नीचे की तरफ मूव करूंगी। सॉरी, हमारे पास ये तीसरा पॉइंट सेलेक्ट नहीं हुआ, तो अगेन मैं इसको इस तरह से सेलेक्ट करें, ठीक है, यहाँ से बचा इस तरह से, ठीक है। अब बन चुकी है हमारे पास ये एक एप्पल शेप, लेकिन अगेन हमारे पास वही ये
थोड़ी सी हमें राउंडनेस चाहिए, यहाँ पे एक शार्प एज है तो मैं सिंपल इसको इस तरह से ड्रैग करूंगी। ठीक है, तो अब ये देख सकते हैं कि यहाँ से भी बिल्कुल स्मूथनेस आ चुकी है और यहाँ पे भी। अब हमारे पास यहाँ पे कर्व नहीं है, एग्जैक्ट एक एप्पल शेप बन गई है। ठीक है, तो लेट्स से अब हम इसके कलर को चेंज करते हैं। ऑब्वियसली हम इसको रेड कलर देंगे। ठीक है, हम इसको यहाँ से भी थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं कि हमें डार्क चाहिए या किस तरह का कलर चाहिए। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा डार्क रेड करना चाह रही हूँ। ठीक है, आप अपने रेफरेंस इमेज से अगर देखकर बनाएं तब भी आप वहां से कलर फिल कर सकते हैं आईड्रॉपर के साथ। ठीक है, ओके, लेट्स से मैं इसको ये कलर अब यहाँ पे रहने दे दी। अच्छा, अब मुझे क्या करना है कि मुझे इसके जो एजेस हैं, इसके यहाँ पे कॉर्नर्स हैं, बाउंड्री है इसकी, वहाँ पर मुझे इसको एक इफेक्ट देना है। मुझे इसको थोड़ा सा डार्क कलर देना है कि ये एक 3D सा लुक आए। ठीक है, जैसे हमने अपनी सर्कल की शेप में किया था एग्जैक्ट वही का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सिलेक्ट रखें, यहाँ पे लूंगी मैं मैश टूल और यहाँ पे पॉइंट्स ऐड कर दूंगी। ठीक है, ये यहाँ पे ऐड किया मैंने एक, और एक यहाँ पे स्पेसिंग आपने क्या रखना है। ठीक है, इक्वल स्पेसिंग होनी चाहिए तो इक्वली कलर आपका ब्लेंड होगा। ठीक है, ओके, आई होप कलर हमारे पास बिल्कुल एक जैसा है। अगेन यहाँ पे मैं लासो टूल लूंगी और हम इसको कुछ इस तरह से, ठीक है, ब्लेंड कर देंगे। ये हमारे पास सारे पॉइंट्स सिलेक्ट हो जाएंगे और ये देख, ठीक है, ये सिलेक्टेड है। अब मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डार्क कलर देना है। ठीक है, लेकिन अगर फिर भी किसी को लासो टूल यूज़ करना मुश्किल लगता है कि उसको वहाँ से कॉर्नर्स उसके नहीं मैच हो रहे हैं, तो सिंपल आप एग्जैक्ट वही काम कर सकते हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें और आपके यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स हैं आप उनको शिफ्ट की प्रेस करके इस तरह से सिलेक्ट करते जाएं। और मेक श्योर कि हैंडल्स नहीं सिलेक्ट करने हैं आपने, एंकर पॉइंट्स जितने भी हैं वो आपने सिलेक्ट कर लेने हैं। ठीक है, यहाँ पे साथ साथ आपको एक नेम भी शो होता रहता है। ठीक है, और आपने सिर्फ वही शो कर लेने हैं, सॉरी सिलेक्ट कर लेने हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर सारे के जो एंकर पॉइंट्स हैं उनको सिलेक्ट कर रही हूँ और ये बस हमारे पास कुछ एंकर पॉइंट्स रह गए हैं। ठीक है, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, आप लासो टूल के साथ भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये सारे पॉइंट सिलेक्ट हो गए हैं, अब मैं इनको थोड़ा सा इस तरह से ये देखें डार्क रेड की तरफ लेके जा रही हूँ। ठीक है, ये देखिए हमारे पास कुछ इस तरह से बैठ आए और मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा ज़्यादा अगर मैं कर दूंगी तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, अब मुझे चाहिए कि मैं यहाँ पर एक यू कैन सी कि यहाँ पर एक लाइट पड़े है, यहाँ पर सन लाइट जिसे हम कह सकते हैं कि वो यहाँ पर आकर बिल्कुल फॉल करे है एप्पल के ऊपर, तो वो मैं यहाँ पर फॉल करवाना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड करना पड़ेगा, सॉरी एक पॉइंट नहीं, दो तीन पॉइंट ऐड करते हैं हम यहाँ पर। और लेट्स सी मैं यहाँ पर कर लेती हूँ। ठीक है, लेकिन मैं बिल्कुल इस पॉइंट पे रखकर वाइट कलर ऐड करूँगी जो कि लाइट की इंटेंसिटी को शो करेगा। ठीक है, और अब आप देखें तो ये इस तरह से कुछ जा रहा है, लेकिन मैं इसको इस तरह नहीं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ ये इस तरह आए। तो मैं इसको दोबारा से एक मैश टूल लेकर यहाँ पर भी पॉइंट ऐड कर दूंगी। ठीक है, सॉरी यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से आ जाएगा ताकि वो जो वाइट कलर होगा वो सिर्फ यहाँ पर रहे हमारे पास, इससे बाहर ना जाए। अब आप इस पॉइंट को सिलेक्ट करें और वाइट ऐड करें। नाउ यू कैन सी कि वो सिर्फ इतना सा हमारे पास रह गया है कलर। ठीक है, तो ये हमारे पास, आप इस तरह से लाइट को फॉल करवा सकते हैं। ठीक है, इसकी इंटेंसिटी को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ से आप थोड़ा सा, सॉरी अगर मैं इसको, ठीक है, तो आप यहाँ से ये बना सकते हैं। ठीक है, लेट्स से हम लीफ बना लेते हैं। उसके लिए अगेन एलिप्स टूल लेंगे हम और कुछ इस तरह से। ठीक है, और मैं इसी की कंट्रोल प्लस सी कंट्रोल प्लस एफ कॉपी आ जाएगी हमारे पास और इसको हम रख लेते हैं। ठीक है, अभी आपको शो नहीं हो रहे क्योंकि यहाँ पे कोई स्ट्रोक नहीं है, फिल नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको स्वैप कर देती हूँ और हमारे पास
फिर हम सॉरी स्ट्रोक ब्लैक दे देते हैं ताकि अभी हमें थोड़ा सा शो जाए, और मैं इसको थोड़ा सा सॉरी सिर्फ इसको इतना मूव करवा देती हूँ, ठीक है। और मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके जाऊंगी अलाइन में सॉरी पाथफाइंडर में, और हमें क्या करना है इंटरसेक्ट वाला, एग्जैक्ट हमें इंटरसेक्ट पॉइंट चाहिए, तो मैं इसको कुछ इस तरह से कर दूंगी, ठीक है। मैं इसका डायरेक्ट सिलेक्शन ले रही हूँ और हम इसको इस तरह नहीं मूव करवाएंगे, तो हमारे पास ये भी एक लीफ की शेप आ जाएगी, ठीक है। और अगर मैं हम क्या करते हैं सिलेक्शन पॉइंट ही ले लेते हैं, और इसको मैं यहाँ से शिफ्ट और ऑल्ट की प्रेस करके अगर मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करना चाहूँ तो ये दोनों साइड से हमारे पास एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक है। अगेन मैं इसको थोड़ा सा इस तरह कर देती हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया हमारे पास वैसे भी, ठीक है। और हम इसको थोड़ा सा इस तरह, ठीक है। अच्छा तो ये हमारे पास आ चुका है, अब हम इसके अंदर कलर फिल कर देते हैं। लेट्स सी हमारे पास फिल है, और ठीक है यहाँ से हम इसको थोड़ा सा लाइट और डार्क कर सकते हैं, लेट्स सी थोड़ा सा डार्क करना चाहूँगी, आई थिंक इट्स एनफ, ठीक है। अब मैं इसके बिल्कुल यहाँ पर भी एक ऐड करना चाहती हूँ कि यहाँ पर हमें शार्प सी लाइन शो लाइट कलर में इंटेंसिटी हाईलाइट जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। उसके लिए भी मैं यहाँ पे मैश टूल ले रही हूँ, पहले इस शेप को सेलेक्ट कर लेते हैं, मैश टूल लेकर बिल्कुल यहाँ इसके सेंटर पर ऐड कर रही हूँ, ठीक है। और मैंने एक यहाँ पर ऐड की लाइन, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर कर रही हूँ, ठीक है। हम यहाँ पर लाइन ऐड करें और एक लाइन हम यहाँ पर ऐड करें, ठीक है। और मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया और मैंने इसको यहाँ पे ये पॉइंट सिलेक्ट किया, ठीक है। और इसको मैं अब थोड़ा सा इसका लाइट कलर दूंगी, ये देखें ये शार्प एज बनेगा इसके ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से आप इसके अंदर शार्प एजेस बना सकते हैं, शार्प लाइंस बना सकते हैं, ठीक है। बहुत ही मज़े की शार्प लाइंस क्रिएट हो गई है, ठीक है। अब हम इस लीफ को उठाकर मैं इसको अगर थोड़ा सा हम इसको कर देते हैं बेंड लाइक दिस, ठीक है। और उसको उठाकर मैं यहाँ पर अगेन थोड़ा सा बेंड कर देते हैं लाइक दिस, ओके। सो हमारे पास हमारा एप्पल तैयार हो चुका है, ठीक है। हमने मैश टूल को यूज़ किया है, एप्पल वैसे ही बनाया है जैसे मैंने पहले बनाया था, सिंपल मैंने उसमें आपको मैश टूल को यूज़ करके आपको बताया कि कैसे आप उसके एजेस में कलर दे सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको लाइट फॉल करवानी है तो वो आप कैसे करवा सकते हैं, ठीक है। लीफ में भी देखिए हमने एक बहुत शार्प सी लाइन क्रिएट की है, वो भी आप मैश टूल से सिंपल पॉइंट सेट करें और आप कोई सा भी कलर उसको देकर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक एप्पल का डिज़ाइन तैयार है, लेकिन यही तक नहीं, हम कुछ और भी बनाएंगे। मैंने आपको दो तीन चीज़ें बनाकर पहले दिखाई थी लेकिन वो बहुत सिंपल सी थी, और इसीलिए मैंने आपको कहा था कि हम उसको थोड़ा सा कलरफुल बनाएंगे, तो ये उसकी एक एग्जांपल है, हमने इसको थोड़ा सा और कलरफुल बनाकर देखा है, ठीक है। तो आप इसको किसी तरह भी बना सकते हैं, ओके। सो लेट्स से हम अब कुछ और बनाकर देखते हैं, इसको मैं कर देती हूँ डिलीट, ठीक है। यहाँ से हम अगेन एलिप्स टूल ही लेंगे और मैं एक यहाँ पे ओवल सी शेप क्रिएट करना चाह रही हूँ लाइक दिस, ठीक है। हम अब बनाएंगे एक मैंगो, ठीक है। खाने में तो सबको ऑब्वियसली बहुत पसंद होंगे लेकिन बनाकर कैसे लगते हैं, सो लेट्स सी, ठीक है। मैंने इसको ये कलर दे दिया है लेकिन अभी हम इसके थोड़ा सा इसको एडजस्टमेंट करेंगे, ऑब्वियसली मैंगो ऐसे नहीं होता है, तो हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ, ठीक है। और इस वो मैं थोड़ा सा यहाँ से इस तरह ये यहाँ से हमें थोड़ा सा और अंदर की तरफ करेंगे, ठीक है। आई थिंक यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव कर देती हूँ, तो आई थिंक या इट्स बेटर इज़न्ट इट। और यहाँ से अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं, हाँ वेरी मच बेटर, थोड़ा सा मैं उसको और बैक करी, ओके। सो वी हैव दिस, सॉरी, ठीक है। आप इसकी इससे भी यहाँ से थोड़ी सी चेंजिंग कर सकते हैं,
ठीक है, तो ये हमारे पास एक मैंगो बन चुका है। अब हमें मैश टूल को यूज करके इसको एग्जैक्ट 3D इफेक्ट जिसको हम कह सकते हैं हमें देना है। ठीक है, तो वो हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली यहाँ पे इसको सिलेक्ट रखते हैं, यहाँ से मैं मैश टूल लूँगी, बिल्कुल एक सेंटर पे इसके पॉइंट ऐड करी और यहाँ पे ऐड करी हूँ इसके लिए बाउंड्रीज। ठीक है, स्पेसिंग का ख्याल रखिएगा कि बिल्कुल एग्जैक्ट स्पेसिंग हो आपकी, कुछ इस तरह से। सॉरी, मैं आई थिंक ये लाइन भी हमारे पास ठीक नहीं गई है, तो मैं इसको ओके यहाँ पे हम एक पॉइंट ऐड कर दें बिल्कुल लाइन के ऊपर यहाँ पर, ठीक है, और एक यहाँ पर। ओके, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से आगे की तरफ एडजस्ट कर देती हूँ ताकि यहाँ पे हमारे पास इक्वल आ जाए। ठीक है, इसको भी मैं थोड़ा सा नीचे कर रही हूँ इस तरह से, और यहाँ पे तो ठीक है, और यहाँ से इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और इसको भी थोड़ा सा इस तरह कर लेते हैं। ठीक है, अगेन आप लासो टूल के साथ भी कर सकते हैं सारे पॉइंट्स को सिलेक्ट। ठीक है, आप एक ही टाइम पे इस तरह से सिलेक्शन बना सकते हैं, लेकिन अगर फिर भी किसी को मुश्किल लग रहा है तो वो अगेन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ शिफ्ट की प्रेस करके बना सकते हैं। ठीक है, ये देखें, ये सारे पॉइंट सिलेक्ट हो गए हैं। यहाँ से मैं कलर्स में स्मिक ले लेती हूँ और मैं यहाँ से अगर कलर चेंज करूँ तो आपको ज़्यादा इजीली शो हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, इसमें कुछ पॉइंट्स आई होप हमारे बाहर वाले भी ऐड हो गए हैं, तो वो आप अगेन मैं आपको कह रही हूँ कि आप यहाँ से ज़्यादा बेहतर होगा कि आप इसको यूज़ कर लें डायरेक्ट सिलेक्शन को। देखिए, यहाँ से फिर दोबारा से ऐड हो चुके हैं। ठीक है, फिर से मैं इसको ऐसे कर रही हूँ, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर हम दोबारा से यहाँ पे पॉइंट ऐड करते हैं। ठीक है, बहुत ख्याल से आपने ऐड करने हैं कि आपके बाहर वाला कोई पॉइंट ऐड ना हो जाए। ठीक है, मैं यहाँ पर दैट्स वन, सॉरी, इसको हमने करना है सिलेक्ट और ये है हमारे पास। ठीक है, सिर्फ बाउंड्रीज के हमें पॉइंट्स ऐड करने हैं, हमें अंदर अभी कलर नहीं देना है, कोई भी कलर अंदर फिल नहीं करना है। ठीक है, लेट्स से हमारे पास ये है और हमारे पास जा जाएगा। ठीक है, और मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा, अब यहाँ पे आप देखें कि डार्क कलर की तरफ मूव ऑन कर रही हूँ। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे हमारा सिलेक्ट नहीं हुआ है, तो मैं यहाँ पे दोबारा इसको सिलेक्ट कर रही हूँ और एक एस पॉइंट को सिलेक्ट करके अगेन हम स्मिक पर जाते हैं और यही चीज़ इन पॉइंट पे करते हैं, तो अब हमारे पास ऑल ओवर आ जाएगी कुछ इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा दोबारा से डार्क शेड करना चाहती हूँ, तो मैं इस पर थोड़ा सा और इफेक्ट दे दूँगी। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये हमारे पास बाउंड्री पे कुछ कलर्स आ चुका है। अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर जैसे हमने एप्पल पे लाइट फॉल करवाई थी, एक हाईलाइट सी क्रिएट की थी, ठीक है, तो वो भी मैं यहाँ पे दोबारा से क्रिएट करना चाहती हूँ। अगेन मैश टूल लूँगी और हम यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर देंगे। ठीक है, अच्छा, अगर आपके पास ये कलर दोबारा ऐड हो जाए, वही जो हमने लास्ट यूज़ किया था, रिसेंटली यूज़ किया था, तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, आई ड्रॉप के साथ कहीं भी क्लिक करें और ये आपके पास वो कलर आ जाएगा। अब आप डायरेक्ट सिलेक्शन से पॉइंट को सिलेक्ट करें और यहाँ से आप इस पर कलर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें, बहुत ही स्मूथ सा इफेक्ट यहाँ पर आ रहा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये लाइट यहाँ पर आते आते लाइट हो जाए, तो अगेन सॉरी, मैं इसको लेकर यहाँ पर इस पॉइंट को ऐड करती हूँ और हम इसके कलर थोड़ा सा लाइट येलो की तरफ। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे बहुत स्मूथ सा इफेक्ट आ रहा है, और अगर मैं यहाँ पे चाहूँ दोबारा से मैश टूल लेते हैं और मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर मेरे पास अगेन देखें हमारे पास वाइट कलर ऐड हो गया है, फिर आपने आई ड्रॉपर टूल लेना है और कहीं पर भी क्लिक कर दें, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें इस पॉइंट। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीनिश सा कलर ऐड करना चाहती हूँ ताकि हमारे पास मैंगो में थोड़ा सा ग्रीन होता है, थोड़ा सा येलो होता है, अगर आपने कभी गौर किया हो तो ये देखें ये चीज़। ठीक है, बहुत मजे की बनेगी। आप ये देखें, हमने सिर्फ मैश टूल को यूज़ करके डिफरेंट कलर्स दिए हैं, तो आप देख सकती हैं कि कितनी इंटरेस्टिंग 3D इफेक्ट में ये चीज़ बन चुकी है। जैसे हमने इस पर 3D इफेक्ट, जो हमने यहाँ से इफेक्ट यूज़ करते हैं,
उसको यूज़ किया हो, लेकिन नहीं, हमने सिर्फ मैश टूल को यूज़ किया है और कलरिंग ऐड की है और हमारे पास एक बहुत ज़बरदस्त सी चीज़ तैयार हो गई है। ठीक है, अगेन मैं यहाँ पे लीव बनाना चाहती हूँ, तो मैं इसको कंट्रोल प्लस सी कंट्रोल प्लस एफ और इसी की कॉपी ले लूँगी यहाँ पे कुछ इस तरह से। ठीक है, इन दोनों को सिलेक्ट करें, पाथ फाइंडर पे जाके हम इंटरसेक्ट वाला पॉइंट ले लेंगे सिंपल। ठीक है, और मैं इसको थोड़ा सा और यहाँ से स्ट्रेच डाउन कर दी। ठीक है, शिफ्ट और ऑल्ट की प्रेस करके, सॉरी इसको हम डबल क्लिक कर देते हैं और इसको यहाँ से मैं कुछ इस तरह से, ठीक है, ये मुझे थोड़ा सा इस तरह लग रहा है तो मैं इसको इस तरह लग रहा है। ठीक है, और मुझे ये ज़्यादा थिक सा लग रहा है, इसको हम थोड़ा सा थिन कर लेते हैं, आई थिंक दैट्स इनफ। ठीक है, और मैं दोबारा से ऑन की प्रेस करके इसको उस तरह और अगेन थोड़ा सा कर लेते हैं। ठीक है, अगर हमें थोड़ा सा दोबारा इसको मोटा छोटा करना हो तो वो भी हम बाद में कर लेंगे। ठीक है, अभी के लिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं और इसमें ग्रीन कलर ऐड करते हैं। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा ब्लैक की तरफ लेके जाऊँगी। सो हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमें कैसा ग्रीन चाहिए है। ठीक है, मुझे इसको थोड़ा सा डिफरेंट ग्रीन कलर देना है, तो मैं इसको स्वाचिस में से ही ग्रीन, लेट से हम कलर गाइड में भी जाके देख सकते हैं कि हमें कौन सा ग्रीन ऐड करना है। ठीक है, तो लेट से मैं ये ग्रीन ऐड करती हूँ, या मे बी दिस, ओके दिस वन। ठीक है, ये वाला ठीक है। अगेन हमने लीफ में वही काम करना है, मैं मैश टूल ले रही हूँ और बिल्कुल यहाँ सेंटर में मैंने एक पॉइंट ऐड किया और मैं एक पॉइंट यहाँ पे ऐड कर रही हूँ और एक पॉइंट यहाँ पे। ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन से मैंने यहाँ पे इसको रख के कलर्स में जाएंगे और इसकी इंटेंसिटी को हम कम कर देंगे। मैं यहाँ से येलो की तरफ जाऊँगी, हम इसको येलो में ऐड करेंगे, ये देखें। ठीक है, जितनी आप इसको इंटेंसीफाई करना चाहते हैं तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है, अगेन मैं इसके बॉर्डर्स पे भी थोड़ा सा कलर ऐड करना चाहती हूँ और यहाँ पे आई ड्रॉपर टूल लेकर हम इसको ग्रीन कर लेते हैं और यहाँ पे दोबारा से मैश टूल और एक पॉइंट यहाँ पर। ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है, डायरेक्ट सिलेक्शन से एक ये पॉइंट और सिलेक्ट शिफ्ट की प्रेस करके एक ये पॉइंट और मैं इसको थोड़ा सा डार्क करूँगी। ठीक है, इस तरह से और थोड़ा सा लाइट की तरह, ये देखें। ठीक है, आई थिंक ये थोड़ा ये ज़्यादा ही ऑरेंजिश सा हो गया, हम इसको येलो में ही रखना है। तो लेट्स से ये आपका इस तरह से लीफ तैयार है। ठीक है, अच्छा अब मैं इसको उठाकर, सॉरी हमें इसको हमेशा सिलेक्शन टूल से उठाना है। ठीक है, यहाँ पे आप इस तरह से इसको प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे ये लीफ थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि हमें चेंज करना चाहिए। मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसके बिल्कुल सेंटर वाले पॉइंट्स को सिर्फ सिलेक्ट कर रही हूँ और उनको उठाकर थोड़ा सा इस तरह लाइक दिस। ठीक है, और उसके एजेस को थोड़ा सा इस तरह। ठीक है, या मच बेटर, ओके, नाउ वी कैन टेक इट लाइक दिस एंड दिस वन। ठीक है, अब ये थोड़ा बेहतर लग रहा है, नाउ इट्स लुकिंग कूल, इज़न्ट इट। तो ये हमारा एक मैंगो भी तैयार हो चुका है, हमने आज एक एप्पल बनाकर देखा है और एक मैंगो बनाकर देखा है। आई होप आपको ये सारी चीज़ पसंद भी आई हो और क्लियर भी हो गई हो कि किस तरह हमने मैश टूल को यूज़ करके अपनी चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाना है, उसमें क्रिएटिविटी ऐड करनी है। ठीक है, सिंपल सा अगर आप मैंगो बनाते, आप उसमें अगर ग्रेडियंट भी ऐड करते तो इतने सारे कलर्स, ग्रीन वाइट और इसमें इसके बाउंड्री को डार्क, ये सारी चीज़ें आप ग्रेडियंट को यूज़ करके नहीं कर सकते थे। तो हमने सिंपल क्या यूज़ किया है, मैश टूल को यूज़ किया है और अपनी क्रिएटिविटी को और भी इंटरेस्टिंग बना दिया है। तो आई होप आप भी इसी तरह ज़रूर कोशिश करेंगे कुछ मज़े का बनाने का। ठीक है, ज़रूर बनाइएगा और मुझे भी दिखाइएगा कि आप क्या बना सकते हैं। आई थिंक आप मुझसे बेहतर बनाएंगे, तो आई जस्ट वांट टू सी इट। ठीक है, तो आज की हम क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई हों। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ प्रेस लाइक बटन एंड शेयर बटन। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।